जब भी काम पे फाइल के लिए कभी भी हम गए तो सिर्फ पैसा मांगते, पैसा दे तो काम करते, नहीं तो काम नहीं करते बोल के। हर डिपार्टमेंट में ऐसा ही हुआ, कहाँ भी जाओ तुम, कौन सा भी इलाके में जाओ, सिर्फ पैसा मांगते। और हम जरा जोर से बात करें तो हमारे को वो लोग धमकी देते, जाओ किसको बोलते, उस्तारी को बोलते, मुख्यमंत्री को बोलते, डीसी को बोलते, आरसी को बोलते, तुम किसको बोलते बोलो, हम किसी को डरते नहीं है, हम उन लोग का हमारा एडजस्टमेंट ऐसा बोलते हैं। तो एडजस्टमेंट क्या एडजस्टमेंट है तुम्हारा, उन लोग का हम कैसा, हम नौकरी लेने लेते, आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, हम पैसा दे के फिर यहीं अपार्टमेंट लेते, हम यही पोस्ट लेते, पहले गंदगी साफ करो और गंदगी को निकल के बाहर फेंको बोल के हमारा एक बेडिक है। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. आज कल्याण कर्नाटक कन्नड़ पर संघटने वक्ट के तरफ से आज हम लोग प्रदेश का आयुक्त से आज हम लोग ने गलबुर्गी नगर में जो इलाके में महानगर पालिका इलाके रहने दो, पुलिस इलाके रहने दो और रजिस्ट्र ऑफिस रहने दो, दूसरे दूसरे इलाके में जो भ्रष्टाचार अधिकारी, मतलब 3 साल तक सरकार का एक अवधि है, 3 साल तक एक आदमी 3 साल तक वहाँ नौकरी करना बोल के, जब से नौकरी हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है, अभी तक रिटायर होने तक वही डिपार्टमेंट में वही पोस्ट के ऊपर वही परमिशन होते हैं, वहाँ पर ही डिपार्टमेंट में है लोग, किसको भी चेंज नहीं करे अभी तक, किसको भी वर्गावने नहीं करे, और सरकार का आदेश है 3 साल के बाद वर्गावने करना बोल के है, अभी तक किसको भी नहीं करे। बीजेपी सरकार रहने दो, अब कांग्रेस सरकार में एक कलबुर्गी नगर में एक भी अभिवृद्धि अभी तक हुआ नहीं है, चलो आंख को दिखने के जैसा एक बड़ा अभिवृद्धि भी हुआ नहीं है। ये क्यों नहीं हुआ बोलो तो, ये हमारी अधिकारी जो डिपार्टमेंट में अधिकारी जो भ्रष्टाचार अधिकारी है, वो जो पैसा देने तक लेने तक काम नहीं कर रहे, जब भी काम पे फाइल के लिए कभी भी हम गए तो सिर्फ पैसा मांगते, पैसा दे तो काम करते, नहीं तो काम नहीं करते बोल के। हर डिपार्टमेंट में ऐसा ही हुआ, लेबर डिपार्टमेंट जाओ और कॉर्पोरेशन जाओ, रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ, तहसील ऑफिस जाओ और समाज इलाके कल्याण इलाके में जाओ, कहाँ भी जाओ तुम, कौन सा भी इलाके में जाओ, सिर्फ पैसा मांगते। और उसके अंदर क्या है माने तो, वो लोग डेवलपमेंट के विचार ही नहीं वो लोग, और हम लोग जाके एक तो कौन सा भी काम बोले, कौन सा भी काम के लिए गए तो पैसा मांगते, और हम जरा जोर से बात करें तो हमारे को वो लोग धमकी देते, जाओ किसको बोलते, उस्तारी को बोलते, मुख्यमंत्री को बोलते, डीसी को बोलते, क्या आरसी को बोलते, तुम किसको बोलते बोलो, हम किसी को डरते नहीं है, हम उन लोग का हमारा एडजस्टमेंट ऐसा बोलते हैं। तो एडजस्टमेंट क्या एडजस्टमेंट है तुम्हारा, उन लोग का क्या, तुम्हारे को एक आदमी गलत काम करता है तो बड़ा अधिकारी उसको सपोर्ट करेंगे, तो कलबुर्गी अभिवृद्धि कब होता, हमारे जिला उस्तवरी साहब कभी महीने में एक बार 15 दिन में 8 दिन में मीटिंग लेते हैं अधिकारी लोग का, अधिकारी लोग को सिर्फ वो लोग को सूचना दे रहे काम करो काम करो बोल के। मैं जिला उस्तवरी को कल्याण कर्नाटक कन्नड़ पर संगठन वक्त की तरफ से एक विनती करता हूँ, आप जो जो साल कितने साल से काम कर रहे हो, वो 3 साल के ऊपर कौन है, 15 साल 10 साल 8 साल, पहले उसको बदलो। कभी आदमी का सोच बदलता है तो अभिवृद्धि होता है। डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार अधिकारी अलग है, उसको निकालेंगे जब गुलबर्गी अभिवृद्धि होता है, पहले उन लोगों को निकालने का जैसा करो, उन लोगों को वर्गावने करो, वह बाद में क्या गंदगी है वो गंदगी को बाद में साफ करेंगे, पहले गंदगी साफ करो और गंदगी को निकाल के बाहर फेंको बोल के हमारा एक बेडिक है। और हमारा कल्याण कर्नाटक का कन्नड़पर संघटन वक्ट का गौरव अध्यक्ष का जगन्नाथ सूर्यवंशी नेतृत्व में आज प्रतिभटने हो रहा है, और वो क्यों वोट हो रहा था हम लोग कर रहे बोले तो, हमारे को 3-4 कंप्लेंट आए सो है, अभी हम लोग को एक अर्जी मुख अर्जी दिए सो, एक लेटर लिख के दिए सो, सर ऐसा सा डिपार्टमेंट में ऐसा सा हो रहा है, तुम लोग संगठन लोग क्या कर रहे हैं, हर इलाके में भ्रष्टाचार लूटी पार सब लोग कुछ हो रहा है, कंप्लेंट वही सब डिपार्टमेंट में पैसा लेते पैसा देने तक काम नहीं करते, और ये लोग धमकी देते काम नहीं करते, किसको बोलते बोलो, हमारे को क्या डरते हैं, हम कैसा हम नौकरी लेने लेते, आप क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, हम पैसा दे के फिर यहीं अपॉइंटमेंट लेते, हम यही पोस्ट लेते, तो जैसा बात कर रहे हैं वो लोग, हुकूमत राजा कैसा बात करते वैसा बात कर रहे, एक नौकर सर्वे सार्वजनिक कर एक और गुलामा क्यों बोलते हो, हमारे टैक्स के ऊपर जीने वाले, और ये हालात हमारा हो के क्या करे, अब डिपार्टमेंट में जाने के लिए भी डर रहे, जैसे पहले पुलिस से डरते थे अब इलाके में जाकर डर रहे, इसीलिए हर इलाके में भ्रष्टाचार हो रहा है। 3 साल तक कोई अंदर रहता है रहने दो, 3 साल के बाद कौन ऊपर है, 4 साल 5 साल 6 साल उन लोग को निकल के देंगे तो बदलावने करेंगे वर्गावने करेंगे तो अभिवृद्धि होता बोल के हमारा एक होरटा आज करे सो है। और हमारे को 15 दिन का टाइमिंग
हम लोग दिए 15 दिन के अंदर जो भ्रष्टाचार वाले को जो काम कौन नहीं कर रहे, उन लोगों को वर्गावाने ट्रांसफर नहीं करे, तो हम सितंबर 17 तारीख जो मुख्यमंत्री कर्नाटक आ रहे, हम लोग मुत्तिगी डाल के और हमारे कुलबर्ग के उस्तवरी प्रियंक खड़गे साहब से मिलकर भी इसके बारे में बताएंगे। आप मीटिंग ले से अभिवृद्धि नहीं होता है, पहले गंदगी साफ करो, पहले जो जो साल से इतना काम कर रहे हो लोगों को वर्गावाने करने का, नया चेहरे को लेके आओ, नया चेहरा काम करने के लिए ताकत रहता है, हुमस रहता है। ये जुने वाले ये लोगों काम अभिवृद्धि इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कमाए के वो लोग घर भरने का काम कर रहे हैं, इसीलिए हमें कलबुर्गी अभिवृद्धि होना बोलो तो सबको चेंज करके नया चेहरा लाना बोल के हम लोग एक मन भी करें, और 15 दिन का नहीं करें तो अगली बार कितना बड़ा हो रहा था कलबुर्गी में और जिले में कर्नाटक में करना बोल के बाद में हम लोग मीटिंग करके होराट के लिए उतरते बोल के आपके टीवी मूलक बताना चाहता हूँ। ये दिवस कल्याण कर्नाटक कन्नड पर संघटने वक्ूट वत प्रादेशिक आयुक्त मन सलो गुलबर्गा महानगर विविध इलाके आर टी ऑफिस आयतु महानगर पालिके रजिस्टर ऑफिस पोलिस इलाके लेबर ऑफिस पी डब्ल्यू डी के भाला ऑफिस ऑफिस अधिकारी सार्वजनिक वाले रीति स्पंदस्ता और मन बंद ಮಾತಾಡೋದು ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾನ್ ಗಂಟಲೆ ಆಯಿತು, ಎರಡೆರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಅಂಥವರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೆಸಿಗೆ ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಅನಂತರ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರ ಅಂಥವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘೋರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ. ಅನ್ಯಾಯದ ಒಳಚರಂಡಿ ಇದಂಥ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬಾಲಕರ ಸಾವು ಹಸು ನುಗ್ಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಜುಮೇದಾರ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಧನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಂತ್ವನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಾಲೆಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಗಿ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರು ಬಂದವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳದು, ಅದು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರದ್ದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನವಿ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಕೆಸಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಏನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ. ಇದು ಮನವಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬರಂತ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರದು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವರಿಗೊಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಭಾಳ ಘೋರ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದು ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಏನಿದೆ ನಾವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯರವರು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ. This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga.